नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। गिरावट जो शुरू हुई है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर से अमेरिका के बाजार में डाउ जोन्स 200 पॉइंट्स नीचे दिख रहे हैं। अब निवेशकों को और ज्यादा डर लगने लगा है कि कोई बाउंस बैक भी नहीं आ रहा है, रिकवरी भी नहीं आ रही है, कोई निकलने का मौका ही नहीं मिल रहा है। हर गिरावट पे कुछ ऐसे भी ट्रेडर होंगे जो कि कॉल बाय कर रहे होंगे लेकिन उनको कहीं एग्जिट नहीं मिल रहा है। आजकल बाजार कुछ इस प्रकार हो गया है कि वन साइडेड नीचे जा रहा है, बीच में वॉलिटिलिटी भी नहीं दिखाता है कि एक आध बार रिकवर हो गया फिर नीचे चल दिया, ना वन साइडेड नीचे कंटिन्यू। एक घंटे का जो लो लग जाता है, जो हाई होता है ना, उस हाई को दोबारा ब्रेक नहीं करता बाजार। आज का भी आप चार्ट उठा के देख लो, चाहे निफ्टी का देख लो, बैंक निफ्टी का देख लो, सेंसेक्स का देख लो, मिड कैप इंडेक्स का देख लो, स्मॉल कैप इंडेक्स का देख लो, कहीं से भी कुछ भी उठा के देख लो, आपको कोई रिकवरी नहीं दिखेगी। एक पूरे दिन के दौरान जो भी आई है शार्प रिकवरी कहीं नहीं दिखेगी, कंटिन्यू लोअर लोज ही लगते रहे हैं इंट्राडे बेसिस पे। अब ऐसे में बात की जाए अमेरिका के मार्केट की, तो एक बार फिर अमेरिका के बाजार गिरते हुए दिख रहे हैं, बट आज वॉलेटाइल दिख रहे हैं। अमेरिका के बाजार वन साइडेड नहीं गिर रहे हैं। सबसे पहले जहां पे खुले वहां से एक लो लगाया, उसके बाद रिकवरी आई बहुत ही शानदार। लोएस्ट लेवल से देखा जाए तो 200-250 पॉइंट्स की रिकवरी भरी डाउ जोन्स में, एंड अभी अगेन दोबारा से डेज लो के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं डाउ जोन्स। प्रॉब्लम आ रही है नेस्डेक इंडेक्स में। नेस्डेक इंडेक्स की बात की जाए तो शुरुआत में ही जब डाउ जोन्स रिकवर कर रहा था तब भी नेस्डेक इंडेक्स रिकवर नहीं कर रहा था, और अभी तो डाउ जोन्स जब दोबारा डेज लो पे पहुंचा है और आधे परसेंट के करीब की गिरावट है, 0.6% की 200 पॉइंट्स नीचे, तो नेस्डेक इंडेक्स ने अपना दम तोड़ दिया है। 1.36% गिरता हुआ दिख रहा है, 0.25% से ज्यादा की नेस्डेक इंडेक्स में गिरावट है। बात सिर्फ यही नहीं खत्म हो रही है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखें अगर आप अमेरिका की, जिसे आप रसल 2000 कहते हैं, वो 0.25% नीचे है, 1.20%, यानी कि वहां भी मोर देन 1% की गिरावट है। और मिड कैप यानी कि S&P 500 देखें तो वो भी लगभग 1.12% नीचे है। तो पूरा का पूरा अमेरिका का बाजार एक बार फिर लाल निशान में आता हुआ दिख रहा है। इस बीच में मैं आप सभी के साथ उन स्टॉक्स के बारे में बात करना चाहूंगा जो अमेरिका में लिस्टेड है, आप ADR के रूप में उन्हें चेक कर सकते हैं। वो भी मैं आपके साथ अगर शेयर करूं, अगर सारे ADR जितने भी भारतीय बाजार के स्टॉक्स हैं, तो शुरुआत करते हैं एक्सिस बैंक के ADR से, 2% नीचे है। डॉक्टर रेड्डी का ADR फ्लैट टू नेगेटिव है, चलिए अच्छी बात है। HDFC बैंक का ADR फ्लैट है, ये बहुत अच्छी बात है। ICICI बैंक का ADR 3% नीचे है, बट क्योंकि आज ICICI बैंक करेक्ट हो गया है तो शायद जो भारतीय स्टॉक करेक्ट हो गया उसका रिएक्शन ADR में आ रहा है, तो ये ज्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए आपको। बात की जाए विप्रो के ADR की तो 1.5% नीचे है, और इन्फोसिस के ADR की बात की जाए तो फ्लैट टू नेगेटिव है। यानी भारतीय बाजार के स्टॉक्स में तो कुछ खास बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। अब ऐसे में भारतीय बाजार में क्या करें कल के सेशन में, और ये गिरावट कब तक चलेगी, और आ क्यों रही है, सबसे बड़ा सवाल आ क्यों रही है, इसका जवाब शायद आप लोगों को मिल गया होगा यूट्यूब के द्वारा, या फिर आपने थोड़ी बहुत रिसर्च करी होगी तो भी मिल गया होगा। लॉजिक है, फेड की कल मीटिंग थी जहां पे फेड का आउटकम आया रात के 1:30 बजे, और रात के 1:30 बजे फेड ने कह दिया कि हम रेट तो कोई भी हाइक नहीं कर रहे हैं, अनचेंज रखेंगे 5.5% पे, 5.25 से लेकर 5.5 है। लेकिन उनकी 10 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड और 2 ईयर्स की बॉन्ड यील्ड देखोगे तो वहां पे 2-2% का जंप था, तो वो इंडिकेट कर रही थी कि आने वाले समय में रेट हाइक आएगा। सेम चीज फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल साहब ने कहा कि नवंबर में जो मीटिंग है वहां पे रेट हाइक आएगा, और केवल इतना ही नहीं कि एक रेट हाइक आएगा, आगे फर्दर और रेट हाइक आएंगे। बाजार को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट मान के चल रहा था कि इस बार कोई रेट हाइक नहीं आएगा, नेगेटिव कमेंट्री आएगी जो कुछ हुआ, लेकिन बाजार ये भी मान के चल रहा था कि वन एंड डन, यानी कि एक रेट हाइक और होगा उसके बाद नहीं होगा, वन एंड डन, बस दैट्स इट। लेकिन जेरोम पॉवेल साहब ने जब कहा कि एक तो नवंबर में आएगा ही आएगा, साथ ही साथ उसके बाद और रेट हाइक आ सकते हैं, तो बाजार ने बिल्कुल भी इसको एक्सेप्ट नहीं करा और वहीं से गिरावट दिखी। डाउ जोन्स टॉप से 300 पॉइंट्स टूट गए और आज फिर आपको फॉलो ऑन गिरावट दिख रही है। लेकिन इस बीच में मैं वापस भारतीय बाजार में आऊं तो मेरे को लगता है सपोर्ट लेवल्स के पास पहुंचते हुए दिख रहे हैं मार्केट। 19700 की आज की क्लोजिंग है, 742 की, 742 की, 19550 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो कि यहां से भी 200 पॉइंट होता है, मुझे नहीं लगता वो ब्रेक होगा। और इस रीजन से तो बिल्कुल नहीं होगा कि अमेरिका रेट हाइक कर रहा है जो भी है, क्योंकि भारतीय बाजार में 6.5% पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, इससे ऊपर नहीं लेके जाने वाला मुझे पता है अभी, और हमारी ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है। टमाटर के दाम ऊपर गए थे नीचे कर दिए सरकार ने, इन्फ्लेशन ऑलमोस्ट कंट्रोल्ड है, बट ये जो कच्चा तेल महंगा हो गया है, $96-95 पे आ गया है, ये चिंता का विषय बनेगा। अब घर के सामान दबा के महंगे होंगे क्योंकि भारत के इन्फ्लेशन पे जो 75% का इफेक्ट करता है वो कच्चा तेल ही है, और कच्चा तेल $70-75 पे था से एक डेढ़ महीने पहले, अभी $95 पे आ रहा है, तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम का विषय है जिसके चलते पेट्रोल से लेकर आपके खाने में तेल तक सब महंगा हो जाएगा।
ये भारत के लिए बड़ी नेगेटिव चीज है। और अगर ऐसा ही रहता है और इन्फ्लेशन बढ़ता है देन अपने लिए भी सिचुएशन थोड़ी खराब हो सकती है। ये सारी चीजें देखते हुए एक चीज और बताना चाहूंगा, दिवाली नजदीक है। ज्यादातर बाजार का ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि जब भी दिवाली आती है तो मार्केट प्री दिवाली रैली देता है। तो मेरे को लगता है अब इस समय आपको बिकवाली ना करते हुए अपने कैपिटल को लगाना नहीं चाहिए, बट जो स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। मैं आपसे लगभग 15 दिन से एक ही चीज कह रहा हूं कि ये वो समय जहां पे आपको पैसा बनाने की नहीं बचाने की सोचनी है। अब एग्जैक्टली सबको समझ में आ गई है ये बात कि यहां पे पैसा बनाना नहीं बचाना है। स्टॉक मार्केट में एक बार किसी का पैसा आ जाता है तो इतनी आसानी से बाहर नहीं निकलता है, वो बहुत मुश्किल से जाता है। इसीलिए आप ऐसे स्टॉक्स पकड़ो जिनका भाव जो भी हो वो वापस जरूर मिलेगा आपको, इतनी श्योरिटी होनी चाहिए। बहुत से मिड कैप और स्मॉल कैप 5-5, 6-6 गुना हो गए हैं, लेकिन अभी जिस भाव पे वहां से कोई करेक्शन शुरू हुई ना तो दोबारा वो भाव कब आएगा किसी को नहीं पता। इसलिए फोकस ऑन लार्ज कैप, बेशक अभी लार्ज कैप पे गिरावट हो रही है बट फिर भी फोकस ऑन लार्ज कैप, क्योंकि यहां आपको भाव मिलेगा, जल्दी मिलेगा और पैसा भी बनेगा। अब जाते जाते एक लास्ट चीज और बोलना चाहूंगा, FIIDIs का डाटा। FIIDIs का डाटा आज एक बार फिर से FIIs बड़ी बिकवाली करके गए हैं, बट अच्छी बात यह है कि DIIs ने खरीदारी कर ली है। FIIs की बात की जाए तो 3,007 करोड़ की कैश मार्केट में बिकवाली कर दी है और DIIs ने लगभग 1,158 करोड़ की, 1,158 करोड़ की बाइंग करी है। That means buying तो आई है बट छोटी है सेलिंग के कंपैरिजन में। लेट्स सी कल बाजार कैसा रिएक्शन देता है। ये मेरी तरफ से अभी के लिए आपके वीडियो, होप आपको सारी चीजें समझ में पसंद दोनों आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड नाइट गाइस।